फैसला। PLII योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए 10,900 करोड़ की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता को इसमें लिए गए फैसले की जानकारी दी। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग खाद प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए लगभग 10,900 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसे PLI उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत मंजूरी दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने इस संबंध में कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का ये फैसला बेहतर परिणाम लाएगा। उन्होंने कहा, आज फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए PLI योजना की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि ये फैसला इस क्षेत्र में भारत को ब्रांड बनाने व आगे बढ़ाने के साथ रोजगार की संभावनाएं विस्तृत करने और देश की वैश्विक स्तर पर और उत्पादन में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कोरोना वायरस, महाराष्ट्र और मर्व के बीच चलने वाली बसों पर 30 अप्रैल तक रोक बढ़ी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज उछाल देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से यहां आने जाने वाली बसों के आवागमन पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध बढ़ा दिया। उल्लेखनीय है कि देश में कोविड-19 बीमारी से पीड़ित इलाज करा रहे लोगों में से 69% से अधिक मामले 5 राज्यों में हैं, जिनमें से 61% से अधिक लोग अकेले महाराष्ट्र में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, देश में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों में से 69.30% मरीज 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 61% से अधिक मरीज उपचाराधीन हैं। देखिए, क्या बाहुबली मुख्तार अंसारी की वापसी उत्तर प्रदेश में भाजपा को जितवा देगी पंचायत चुनाव? सुप्रीम कोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने का आदेश मिलने के बाद से भाजपा के नेता बहुत खुश हैं। प्रयागराज में संघ के एक प्रचारक का मानना है कि ये बहुत बड़ी जीत है। वह बताते हैं कि मुख्तार को राज्य की जेल में लाने का बड़ा संदेश जाएगा। भाजपा संगठन में बनारस प्रांत के एक सक्रिय नेता का कहना है कि पंचायतों को चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में मुख्तार को लाने में मिली कामयाबी बड़े काम की हो सकती है। पंचायत चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। बताते हैं कि मुख्तार से जुड़े बंद मामले भी खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम अदालतों में मामलों को खोलने के लिए आवेदन दिए जाने लगे हैं। मुख्तार की उत्तर प्रदेश में आने की घबराहट देकर लोगों का एक बड़े माफिया के खिलाफ डर खत्म हो रहा है। बताते हैं कि अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें भी मुख्तार के खिलाफ राज्य सरकार के सख्त कदम उठाने का फायदा होगा, क्योंकि मुख्तार बाहुबली है, उसकी तमाम आपराधिक मामलों में लिप्तता है, उत्तर प्रदेश पुलिस को उसकी तलाश है। दरअसल योगी सरकार को भी मुख्तार की राज्य के जेल में वापसी मुफीद लग रही है, क्योंकि मुख्तार बाहुबली होने के साथ साथ मुसलमान भी है। बाजार, काफी घटनाओं क्रमों वाला रहा वित्त वर्ष 2020-21। बाजार में जारी रही उथल पुथल, 1 अप्रैल 2021 से नए वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत होगी। शेयर बाजारों के लिए ये साल काफी घटनाक्रमों वाला रहा। मार्च 2020 में भारत में कोरोना वायरस महामारी ने दस्तक दी थी। कोरोना वायरस से शेयर बाजार में उछलता नहीं रहा, इसके कारण पूरे वित्त वर्ष में घरेलू बाजार में उतार चढ़ाव रहा। महामारी और लॉकडाउन के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए वित्त वर्ष 2020-21 का पहला महीना अप्रैल शानदार रहा था। 18 सालों में अप्रैल सीरीज बाजार के लिए सबसे बेहतरीन रही थी। अप्रैल 2020 में निफ्टी 19% चढ़ा था। सेंसेक्स की बात करें तो दो बड़े मौके आए जब बाजार ने ऊंची छलांग लगाई। 7 अप्रैल को शेयर बाजार ने इतिहास रचते हुए बड़ी छलांग लगाई। एक दिन में सेंसेक्स ने 24,076.26 अंकों की बढ़त हासिल की थी। 7 अप्रैल को सेंसेक्स इस ऐतिहासिक बढ़त के बाद 30,060.21 के स्तर पर बंद हुआ था। इससे पहले 20 सितंबर 2019 को सेंसेक्स ने 22,080 अंकों की छलांग लगाई थी। इसके बाद महीने के आखिरी दिन 30 अप्रैल को सेंसेक्स 997 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ था। निफ्टी भी 8800 के करीब पहुंच गया था। देश में जैसे जैसे प्रतिबंध हटते गए और स्थिति सामान्य होती गई, निवेशकों की धारणा मजबूत हुई और बाजार में उछाल देखा गया। अक्टूबर 2020 को सेंसेक्स 40,000 के पार पहुंचा। मार्च 2021 में बाजार में कई दिनों तक गिरावट रही। आज वित्त वर्ष 2020-21 के आखिरी दिन घरेलू बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सियासत, गोत्र, धर्म और जाति, ऐसे समझे बंगाल में दूसरे चरण की 30 सीटों की राजनीति।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब नजरें दूसरे चरण पर आ टिकी हैं। दरअसल 1 अप्रैल को बंगाल की 30 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन बंगाल की सियासत में गोत्र का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। वैसे तो यहाँ टीएमसी और भाजपा में आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन यह भी देखना रोचक होगा कि कांग्रेस किस तरह पलटावार कर सकती है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को जिन 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है उन पर 171 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में भाजपा टीएमसी आमने सामने है, लेकिन नंदीग्राम सीट दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। इसके अलावा दोनों पार्टियां जातियां और धार्मिक समीकरणों के दाव पे चलकर हर जतन कर रही है। आईसीसी रैंकिंग T20 में विराट राहुल को नुकसान, वनडे में बुमराह तो टेस्ट में अविशन एकमात्र टॉप 10 भारतीय। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज दोपहर T20 टेस्ट और वनडे रैंकिंग जारी की। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के बाद केएल राहुल और विराट कोहली को नुकसान उठाना पड़ा है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में 52 गेंदों में 92 रन बनाने वाले डेवन कानवे जबरदस्त उछाल मारते हुए चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली 5वें और केएल राहुल 6ठे स्थान पर हैं। बुमराह एक पायदान खिसकाकर 4थे स्थान पर पहुंच गए। रोहित शर्मा रैंकिंग में 3रे स्थान पर हैं, वह बाबर आजम से पीछे हैं। लोकेश राहुल 31वें से 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आरंडर हार्दिक पहुंचा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर। श्रशम पंत ने शीघ्र 100 में प्रवेश किया। एंटीलिया मामला, एनआईए का दावा, वाहन में रखे विस्फोटक सामग्री की खरीद वाजे ने की थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के सूत्रों ने बुधवार को दावा किया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के निकट एक वाहन में मिली जिलेटिन की छड़ों की खरीद मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने की थी। हालांकि उन्होंने विस्फोटकों के स्रोत के बारे में विस्तार में जानकारी नहीं दी। सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच कर रही एनआईए की ये भी पाया कि वाजे ने अपने चालक के साथ मिलकर अंबानी के आवास के निकट एसयूवी खड़ी की थी। सूत्र ने बताया कि एसयूवी में रखी गई जिलेटिन की छड़ों की खरीद वाजे ने की थी। सूत्रों ने बताया कि एनआईए के पास ऐसा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें घटनास्थल पर वाजे की मौजूदगी दिखी है। उन्होंने बताया कि जांच के संबंध में एनआईए की टीम मुंबई पुलिस के आयुक्त कार्यालय और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज जुटा रही है। इससे वाजे की गतिविधियों और अन्य पहलुओं का पता चलेगा। महिला सैनिकों के लिए बड़ी राहत वाला फैसला, अब नहीं पहनने पड़ेंगे पुरुषों वाले अंडरवियर। स्विट्जरलैंड की सेना में कार्यरत महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि महिला सैनिकों को अब पुरुषों का अंडरवियर नहीं पहनना होगा। इससे पहले महिला सैनिकों को पुरुषों वाले अंडरवियर पहनने होते थे। यहाँ की सरकार ने यह फैसला सेना की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए किया है। बता दें कि अब तक स्विट्जरलैंड की सेना में शामिल महिला सैनिकों को ढीली फिटिंग वाले अंडरवियर दिए जाते थे। कभी कभी यह उनके लिए काफ़ी समस्या वाला हो जाता था। सेना की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सैन्य यूनिफॉर्म में केवल पुरुषों के कपड़े ही शामिल हैं, महिलाओं के लिए कोई विशेष यूनिफॉर्म नहीं है। सरकार का मानना है कि महिलाओं के कपड़े को सेना में शामिल करने से सेना में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। मेरठ में खौफनाक वारदात, कक्षा 9 के छात्रों को सहपाठी ने मारी गोली, मौत, थाने में जमकर हंगामा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के बमसुमा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक खौफनाक वारदात हो गई। कस्बा स्थित नवजीवन इंटर कॉलेज परिसर के बाहर कक्षा 9 के छात्र को उसके सहपाठी ने गोली मार दी। गोली में लगने के बाद छात्र वहीं नीचे गिर पड़ा। इसके बाद घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि सैफपुर फिरोजपुर निवासी नितिन पुत्र रोहतास को उसके ही सहपाठी अकबरपुर निवासी वंश पुत्र मूलचंद ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किया। गंभीर रूप से घायल छात्र कॉलेज की ओर दौड़ा और प्रधानाचार्य के ऑफिस के सामने गिर पड़ा। वहीं आनंद फानंद में कॉलेज स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों को हस्तिनापुर CSC में भर्ती कराया। छात्र की हालत गंभीर होने के चलते मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल न्यूज़ DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।